वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। सत्संग मेरा व्यय नहीं होता तो सत्संग भगवान की कृपा मेरा नहीं मिलती। हर समय रहती है तो कृपा की तरफ देखता नहीं है। तो तीन कंपाउ समुच्छ माना कृपा की तरफ देखता नहीं है जी। जब तक देखता नहीं तब तक उसको प्राप्त होती नहीं। जैसे ऊपर से जल गिर रहा है परंतु कलसा उल्टा कर दिया जाए तो भर जाता है क्या? जन्म को जीव मोई जब ही जन्म को जगना कृपा तो है। कृपा के सन्मुख नहीं होता मनुष्य। कृपा सब पर है। क्या बात है बोलो? कृपा बिना सत्संग मिलता नहीं तो सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। तो कृपा जब करो कबूल करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु स्नेही। मनुष्य भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो मनुष्य शरीर कृपा कर देते हैं तो मनुष्य शरीर में क्या है? मनुष्य शरीर को आप ध्यान दे मनुष्य शरीर केवल आकृति का नाम नहीं है। ये दो पैरों से चले काला माथा और ऐसा हो ऐसे का नाम मनुष्य नहीं है। मनुष्य है मनुष्यता से भीतर से मनुष्यत्व हो मानो मनुष्य के लक्षण हो
लक्षण क्या है? विवेक। जैसे ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, इस विवेक वाले को मनुष्य कहते हैं। ऐसा विवेक नहीं होता, वो पशु होता है। जो मनुष्य पना नहीं हुआ तो मनुष्य कैसे हुआ? आप अपनी सीधी भाषा में एक छोरे को कहते हैं छोरा मैंने हो जा, ये कहते हो नहीं? और छोरे तो मैंने कही हो गया जाए, राजस्थानी भाषा में कहते छोरा मैंने हो जा, तुम मानो तू मनुष्य हो जा, मनुष्य मनुष्य बनाना चाहिए, कैसे बोल पड़ा करता? तो मनुष्यता नाम है वास्तव में, विवेकवान का नाम मनुष्य है, जिसकी विवेक होता है। तो विवेक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का विचार हो। तो ये विचार तो खुद में चाहिए, वो ही भगवान के कृपा के सन्मुख होने वाला है। कृपा को देखता ही नहीं और अंदर दुंदेश चलता तो मनुष्य थोड़ा ही है, मनुष्य रूपेण मृगास्तरं थे, मनुष्य रूप से पशु है, वो रूप है मनुष्य का। इस बात से कहा तो वो बिन पशु पुत्र विषाण, उसे कहते हैं पुत्र विषाण, वो नहीं सिंह पूछ नहीं है, सिंह पूछ भाई भाईरो, सिंह पूछ बिना का पशु है, सिंह बिना पशु पूछ बिना पशु बुरा लगे ना, तो बुरा पशु बद्दा पशु है, पशु भी बद्दा है सिंह पूछ बिना का। मनुष्यता तभी है जब इसमें विवेक हो, विवेक तभी है जब भगवान के सन्मुख हो, विवेक हो तो भगवान के सन्मुख होगा, सन्मुख हो तो कृपा मिलेगी। सन्मुख हुए बिना कृपा का अनुभव नहीं होता, सन्मुख हो कृपा का अनुभव जरूर होगा। हरी तो भगवान जिधर देते हैं ना, तो भगवान देते हैं कृपा करके, वो देते ही हैं, पर लेना चाहिए ना, देना लेना दो होती है ना, देने में तो देने वाले की मुख्यता है, लेने में लेने वाले की मुख्यता है। देवर नहीं ले तो क्या करे, पर लेवर दे नहीं तो क्या करे? क्या इसमें तो ये तो बात आपके प्रश्नों के अनुसार कहा मैंने, हमारी एक मान्यता में और बात है। हमारी मान्यता में ये बात है कि भगवान ने कृपा करके मात्र मनुष्य को विवेक दिया है, विवेक दिया है, उस विवेक जब देह ही बिछाता है ना, देंगे बिछाता, ये बात है, इनसे ये बात हमें बढ़िया लगती है कि विवेक उसमें है। और दे उसमें अनुसार पहले उत्तर दिया, जिसमें दे के अनुसार दिया उत्तर पहले, भगवान ने विवेक दिया है, मनुष्य ही दिया है, वो विवेक दे करके ही मनुष्य ही बनाया है, मनुष्य में वो विवेक शक्ति मौजूद है। यहाँ थोड़ा मतभेद है, शास्त्रीय मतभेद, बहुत बड़ा एक मतभेद है। प्रायः शास्त्रों में वर्णन आता है अधिकारी का, किसी ग्रंथ को आप पढ़ोगे तो ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय होता है, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है और इसका प्रयोजन कौन है और इसमें विषय क्या है और संबंध क्या है, चार होता है ना साधन चतुष्टय, ये चार अनुबंध चतुष्टय है ये। तो
अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ का होता है उसमें इसका अधिकारी कौन है जो वर्णन है ना, ये तो इस अधिकारी में विवेकवान होता है वो अधिकारी होता है। जैसे वेदांत पढ़ेगा तो अथ अथ असाधु ब्रह्म जिज्ञासा, अथ करके वहाँ लिया है विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्षता, साधन चतुष्टय संपन्न होने पर अथ कर दिए। अब तो वो साधन चतुष्टय संपन्न होता है तब अधिकारी होता है वेदांत का। तो ऐसे जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के, जितने दर्शन हैं उन दर्शनों के अधिकारी माने अलग अलग, और अधिकार के अनुसार ही वो पढ़ेंगे तो विशेष लाभ लेंगे, अनधिकारी पढ़ेगा तो लाभ नहीं ले सकेगा। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब इसमें एक दूसरा मत और है, वो मत क्या है कि वो जो अधिकारिता है ना, अधिकार की योग्यता मनुष्य मात्र में है, ये मत है दूसरा। एक तो अधिकारी हो तब वो चीज मिले, और एक अधिकार पाने की योग्यता संपूर्ण मनुष्य में है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें अधिकार की योग्यता ना हो। हाँ, ज्ञान निधान है ना, तो ज्ञान है इसमें। नहीं तो वो तो खुद नहीं पकड़ता है, खुद उसको पकड़ता नहीं, आदर नहीं करता है, उसको महत्व नहीं देता है। अपने ज्ञान का आप स्वयं तिरस्कार करता है, अपने ज्ञान का स्वयं तिरस्कार करता है, ये गलती है। जानता है नाशवान और उसको पकड़ता है, बोलो ये ज्ञान का आदर है क्या? नाशवान उसको महत्व देता है, रुपया अपना कमाया हुआ और अपने से ज्यादा महत्व रुपयों को देता है, अपने को बिना रुपयों के तुच्छ समझता है, रुपयों से अपने को बड़ा समझता है। कितना बेचारे विवेक का नाश किया इसने, दया नहीं आई। आपने ख्याल किया कि नहीं, इस बात पर ध्यान दिया कि नहीं, अपने विवेक को कितना कुचल दिया, कितना नष्ट किया जान करके। इधर आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, मैं दोबारा फिर पूछ रहा हूँ। तो अपना विवेक को आप स्वयं नष्ट करे उसको क्या कहा जाए? वो पशु से नीचे आए हो, पशु को तो बेचारे को विवेक मिला नहीं, इसने विवेक का नाश किया है जान करके, उसे तो है नहीं करे क्या वो? मार्मिक बात है समझने की, ये हमारी बात है ना, ये दार्शनिक विद्वान हो पढ़े लिखे उनके प्रतिकूल पड़ेगी।